और उसका हमने छोटे से पार्ट का सैंपल लिया तो इसी में हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्रॉड फ्रॉम इट्स नेचुरल सेटिंग इन टू द क्लास रूम टू सप्लाई टू टाइप ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस दे विल मेक इंस्ट्रक्शन मोर मीनिंगफुल वॉइड एंड इंप्रेसिव मेक डायरेक्ट अपील ऑफ सेंस एक्सप्लेन पोर्शंस एंड थर्मोमीटर्स। जैसे ये बताना है इसके एग्जाम्पल्स है एक्सप्लेन फोर शेप्स एंड थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर्स हो गया या फोर शेप्स हो गया, इनको हम यूज करते हैं ये क्या हो गए ऑब्जेक्ट हो गए, ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए और ये चीज़ को ये क्या होते हैं रियलिटी को बताते हैं। दूसरा ये मीनिंगफुल होता है, इसका पता होता है कि कौन सी चीज़ का क्या यूज होता है तो ये मीनिंगफुल हो जाते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट आते हैं स्पीसी मैनुअल, स्पीसी मैनुअल का एग्जाम्पल है सेक्शन ऑफ लंग, मतलब आप लंग का कोई सेक्शन है उसको आप देख रहे हैं या अपन बोल सकते हैं कि नेचुरल का कोई पार्ट यूज में आ रहा है या देख रहे हैं या नेचुरल के पार्ट को स्टडी कर रहे हैं उसे हम स्पीसी मैन के अंदर काउंट करेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा सेक्शन ऑफ लंग। देन रूल्स ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड स्पीसी मैन, ऑब्जेक्ट और स्पीसी मैन को यूज करने के लिए हम कौन कौन से रूल्स का यूज करेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने टीचर को प्लान करें, सिंपल और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट और स्पीसी मैन जब हम यूज करते हैं तब। उसके बाद क्वेश्चन पुट अप होने चाहिए स्टूडेंट्स के द्वारा, या स्टूडेंट है वो क्वेश्चन करता है तो इन डिटेल्स या उसके फीचर्स के बारे में हमें ऑब्जेक्ट और स्पीसी मैन के बारे में आना चाहिए, पता होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्लैरिफाई एंड एम्फसाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्पीसी मैन अंडर ऑब्जर्वेशन। क्लैरिफाई होना चाहिए, एम्फसाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिटेल हमें पता होनी चाहिए ऑब्जेक्ट और स्पीसी मैन के बारे में पूरी डिटेल्स। प्रोवाइड रिव्यू एंड प्रैक्टिस टू मेक लर्निंग परमानेंट, इसका मीनिंग है कि आप लर्निंग को और ज़्यादा परमानेंट बनाने के लिए इसको बार बार रिव्यू करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो इसके एडवांटेज भी हम आते हैं, इसके एडवांटेज होंगे कि इसमें टू फोर्स होते हैं कि सबसे पहले इसको कलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट या स्पीसी मैन को कलेक्ट करेंगे और उसको स्टडी के पर्पज पे हम अगर यूज़ कर रहे हैं किसी क्लासरूम के अंदर या किसी स्टडी के अंदर तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीसी मैन है वो क्या होता है कि बाय स्टूडेंट रिक्वायर इंटरेक्शन विद अदर लीडिंग टू डेवलप ऑफ सोशल स्किल एंड वैल्यू। स्पीसी मैन और ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको इंटरेक्शन आप इंटरेक्ट होते हैं स्पीसी मैन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानने में या उससे रिलेटेड कुछ भी जानने में तो उससे आपका स्किल और आपका स्किल डेवलप होता है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि स्टूडेंट और टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट होता है वो स्पीसी मैन या ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकता है या टीचर है वो अपनी स्टडी को और ज़्यादा अच्छा बना सकता है। तो ये थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री चीज़ हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट और टीचर को सेटिस्फेक्शन देती है। देन क्या होगा कि स्टूडेंट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड इन्हेंस बाई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीसी मैन, इससे की क्या होती है स्पीसी मैन ऑब्जेक्ट
एजुकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपके वर्किंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को अलग से प्रेजेंट करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। मॉडल्स जो होते हैं वो रियल थिंग पर बेस्ड होते हैं, इसमें थ्री डायमेंशन होती हैं और इसके जो टाइप्स सबसे पहला है वो है सॉलिड मॉडल। सॉलिड मॉडल जैसे कि हम अर्थ का एक सॉलिड मॉडल यूज करते हैं बहुत सारी ऑफिस के अंदर या फिर आपने वर्किंग एरिया के अंदर आपने देखा होगा वो मॉडल जिसके अंदर अर्थ का मॉडल बना हुआ होता है, वो एक सॉलिड मॉडल होता है जिसका बाहर से देख सकते हैं बहुत अच्छे से, बाहर से इसका जो व्यू है उसमें सब कुछ देख सकते हैं, इंटरनली वो सॉलिड होता है। तो इसका फॉर एग्जाम्पल है ग्रे मॉडल ऑफ ह्यूमन का ग्रे मॉडल या एनिमल का या वेजिटेबल का या ड्रॉल का या जो टॉयज वगैरह होते हैं ये सारे सॉलिड मॉडल्स के अंदर आते हैं। इसमें ओरिजिनल थिंग होती है सारी और ये सूटेबल मटेरियल होते हैं सारे के सारे, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पैरिस से बना होता है, वुड से बना होता है, आयरन से बना होता है, ये सारे आएंगे सॉलिड मॉडल्स के अंदर। देन आएगा एक्सरे मॉडल जो होता है उसके अंदर आप बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर कोई भी जो चीज़ बनी हुई उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। तो एक्सरे मॉडल के अंदर हम ये पढ़ सकते हैं, एक्सरे मॉडल क्या होती है, ओरिजिनल थिंग होती है जो कि शो करती है इंटरनल पार्ट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। और इसका जो मेन है वो क्या हम बोल सकते हैं, इट मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉसेक्शनल मॉडल, जब अपन इसमें क्रॉसेक्शंस करते हैं या क्रॉसेक्शनल मॉडल करते हैं शोइंग इंटरनल पार्ट ऑफ थिंग मे बी कंपोज ऑफ डिटैचेबल पार्ट्स। क्रॉसेक्शनल मॉडल आर डिफिकल्ट टू मेक द इंस्टीट्यूशन एज दे रिक्वायर एक्सपर्टीज, मतलब क्रॉसेक्शनल जो मॉडल्स होते हैं उनको इंस्टीट्यूट के अंदर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और उनको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेनली जो कॉलेजेस या स्टडी के तौर पर यूज़ करते हैं वो मेनली हम सॉलिड मॉडल्स का यूज़ करते हैं। वर्किंग मॉडल्स जो होते हैं वो आइदर एक्चुअल वर्किंग थिंग और देयर मिनिएचर इंडिकेट्स टू इलस्ट्रेट एन ऑपरेशन। वर्किंग मॉडल आर द ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू, वर्किंग मॉडल की जो होती है वो एजुकेशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सैंड मॉडल्स जैसे हो गए आपके पास पोस्टर्स हो गए या कोई भी अपन बोल सकते हैं ट्रीज हो गई, बिल्डिंग हो गई, ग्रेविड रिवर्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो बनी होती हैं वो सैंड मॉडल पे बेस्ड होती है। और इनका जो जैसे हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिपल विलेज या सिटी एरिया, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या फॉरेस्ट एरिया, ये सारे सैंड मॉडल्स के अंदर आते हैं। तो इसके बारे में पढ़े तो दीज आर द ग्राफिक लेआउट्स यूजिंग सैंड क्ले सॉ डस्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट टू शो ट्री बिल्डिंग रिवर एक्सेट्रा। सैंड मॉडल्स आर मेड यूजिंग कलर्ड सैंड इन अ ट्री एंड कॉन्वीनियंट साइज ऑन द पेपर। जनरली ग्रीन फील्ड इज शोन बाय कवरिंग एरिया विद ग्रीन सॉडस्ट वाटर विद ब्लू सेलफोन कार्डबोर्ड कटआउट्स फ्रॉम शोइंग फॉरेस्ट। एग्जाम्पल है ट्रिबल विलेज, सिटी एरिया, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स एंड फॉरेस्ट एरिया। और मॉडल्स के जो एडवांटेज होते हैं उसके बारे में जानते हैं, तो मॉडल्स होता है वो लाइटर होता है, रियलिटी बेस्ड होता है। दूसरा ये क्या करता है, प्रिंसिपल एंड लॉज को इलस्ट्रेट एंड एप्लीकेट करता है। तीसरा ये एक्सप्लेन करता है कॉम्प्लेक्स एंड इंटरिकेट ऑपरेशन ऑफ सिंप्लीफाइड वे, किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाइड वे में करने का तरीका बताता है। मॉडल्स आर लास्टिंग एंड अल्टीमेटली वर्क आउट टू बी चीपर थिंग एड्स, चीपर टीचिंग एड्स जो होते हैं उस पर भी अल्टीमेटली लिसनिंग और वर्क कर सकता है। उसके बाद में मॉडल्स आर अ रीजनेबल साइज एंड कॉन्वीनियंट टू हैंडल। उसके बाद मॉडल्स इन्वॉल्व द यूज ऑल फाइव सेंस टू थर्स मेक लर्निंग इफेक्टिव, लर्निंग को इफेक्टिव करने के लिए ऑल फाइव थिंग्स ऑफ सेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिमिटेशंस ऑफ मॉडल्स पे हम आएंगे तो नॉट ऑल द मॉडल्स कैन बी मेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी सारे मॉडल्स हैं जैसे कि सॉलिड मॉडल्स हो गया, एक्सरे हो गया, वर्किंग मॉडल्स हो गया, सैंड मॉडल्स, तो ये सारे मॉडल्स हैं। इसके अलावा जो भी है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सारे मॉडल्स को इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल पर्पज से ही यूज़ कर सकते।
होती है, प्रिपरेशन एंड सप्लाई के लिए स्किल की प्रेजेंटेशन जरूरी होती है। नेक्स्ट आता है ई कंप्लीट होने के बाद आता है प्रिंटेड गेट्स। प्रिंटेड गेट्स के अंदर जाएंगे तो लीफलेट्स होते हैं वो उसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल शीट